हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनी फैमिलीज के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इस वक्त इस पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या है जो ये आपके बारे में सोच रहे हैं पर बता नहीं रहे हैं। ठीक है, करंट एनर्जीज को चेक करने की कोशिश करेंगे और प्रिडिक्ट करते हैं कि आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है। आपको करना यह है कि आप अपने पर्सन का नाम लीजिए, थोड़ा मेडिटेट कीजिए, मुझे भी 2-4 सेकंड्स दीजिए और फिर स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को लेके एंजल्स का नाम। चलिए अपने पर्सन का नाम लेते रहिए, अपने पर्सन के बारे में सोचिए। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, द एम्प्रेस, थ्री ऑफ, थ्री तो कहीं है ही नहीं, टू ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं क्या हो रहा है। ऐसा लगता है कि इनके आसपास कहीं ना कहीं कुछ मनमुटाव चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा अनबन चल रही है ना? और आसपास का मतलब ये भी हो सकता है कि चारों तरफ या फिर इनके दिल के अंदर। बहुत चांसेस है इस बात के कि ये पर्सन आपको सब कुछ ना बताते हों। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, ये कार्ड शायद आना चाहता है। ओ माय गॉड, नाइन ऑफ कप्स, हो गई रीडिंग पूरी, पता चल गया यहाँ पे क्या हो रहा है। ध्यान से देखने पे यहाँ पे हमें ये चीज़ पता चलती है, ये पर्सन अंदर ही अंदर बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। अंदर ही अंदर हो सकता है कि अपने आसपास कहीं वर्क एनवायरनमेंट में जहाँ पे ये जाते हैं, ठीक है, कोई मनमुटाव चल रहा है इनका किसी और के साथ और उसकी वजह से इस वक्त ये पर्सन बहुत टेंशन में है। मुझे दिखाई दे रहा है कि लोग इस पर्सन से जलते हैं, स्पेशली मैं देख रही हूँ इनके काम को लेके। बहुत लोग हो सकता है कि इनका नुकसान करने की भी कोशिश करते हैं। ठीक है, कभी आपने ये चीज़ सुनी है इनसे कि इन्होंने आपके साथ शेयर किया हो? मुझे लगता है कि इन्होंने हमेशा से ना अपने काम और आपके बीच में कहीं ना कहीं अपने काम को चुना है हमेशा। ठीक है, और अपने काम को चुनने की वजह से इस पर्सन को हमेशा ऐसा लगा रहा है कि अगर ये काम करते रहेंगे, काम से इनको फ़ायदा होगा और उसी काम में अगर अड़चन आ जाए और वहीं पे इतनी ज़्यादा तकलीफें आ जाए तो इस पर्सन का डेफिनेटली यहाँ पे दिमाग ख़राब हो ही रहा है। ध्यान से देखने पे पता चलता है इनके लिए ये जो फेज़ है, स्पेशली आज का दिन, स्पेशली इस टाइम की जो एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल से ये पर्सन अपने आप को संभाल रहे हैं, बहुत मुश्किल से ये पर्सन नॉर्मल रह के काम करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत मुश्किल हो रही है इस वक्त, ठीक है, अपनी लव लाइफ को ठीक करना, पर फिर भी ये पर्सन मुझे लगता है कि करना चाहते हैं कुछ, ये पर्सन एक्शन लेना चाहते हैं। अब चाहे वो एक्शन कितना भी डिफ़िकल्ट हो, चाहे वो एक्शन कितना भी परेशान करने वाला हो, पर इस सिचुएशन में भी इस पर्सन को आपकी याद आ रही है बिकॉज़ ये आपसे शेयर करना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि अगर ये आपके पास नहीं आ रहे हैं तो उसकी वजह क्या है। कहीं ना कहीं पता है वो जो उस टाइम ब्रेकअप की वजह रही है वो सीरियसली एक इतनी बड़ी वजह रही है जो वजह आज भी इस पर्सन के साथ है। अगर ध्यान से देखा जाए, अगर मैं आपको ठीक से बताने की कोशिश करूं, ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन सारी चीज़ों को अकेले ही हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, दो ऑप्शंस थे, उसमें से इन्होंने
अपने काम को चुना, पर काम में भी यहाँ पे बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो रही है जिसकी वजह से ये पर्सन अभी इस हालत में है। ठीक है, अभी की एनर्जी कहती है कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा हैवी महसूस कर रहे हैं, ये पर्सन बहुत ज़्यादा हैवी महसूस कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि आपको बता नहीं पा रहे, लेकिन ये पर्सन बहुत जल्द लीड लेने वाले हैं। ठीक है, द एम्प्रेस का कार्ड से ये भी पता चल रहा है कि ये पर्सन आपको बहुत जल्दी इम्प्रेस भी करने वाले हैं। अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है एस ऑफ सोर्ड्स, इसका मतलब साफ है विजय हासिल करेंगे। अगर ये पर्सन बहुत ज़्यादा किसी और की वजह से परेशान है ना, किसी और की वजह से ये पर्सन काम नहीं कर पा रहे, या उनको रुकावट हो रही है, या उनको रोका जा रहा है, तो ये बात साफ है कि दिस पर्सन विल कम्प्लीटली विन, ये पर्सन संभाल लेंगे। पर ये पर्सन कभी भी किसी और की वजह से अब अपनी लव लाइफ को अफेक्ट नहीं होने देंगे। ठीक है, अब ये पर्सन आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़, मतलब यू नो, आपके पास आने को लेकर ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ये कॉम्प्रोमाइज़ इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि एस ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी बता रही है दे वॉन्ट टू विन यू। ठीक है, दे वॉन्ट टू विन यू, उसके लिए इस पर्सन को आपके पास आकर आपकी सारी ख्वाहिशों को पूरा करना है। अब इनका यही मकसद बन गया है कि ऐसे तो मुश्किलें आती जाती रहेंगी, लेकिन अगर मैंने अपने पर्सन का अभी साथ नहीं दिया, अगर मैंने अपने पर्सन को अभी वापस नहीं लाया अपनी लाइफ में, तब हो सकता है कि शायद बहुत देर हो जाए, तब हो सकता है कि यहाँ पे कुछ भी ना बचे। अगर मैंने काम किया है, अपने आप को इतना स्टेबल किया है, किसके लिए किया है, आपके वास्ते, कि अगर आप कल को इनके पास आते हो, अगर आप दोनों एक साथ रहते हो, आप दोनों एक बंधन में बंधते हो, तब आपको ये पर्सन स्टेबल लाइफ दे पाए, तब आपको ये पर्सन बहुत अच्छी तरीके से रख पाए, आपकी हर विश को पूरी कर पाए। ठीक है, आपको किसी चीज़ की कमी ना हो, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं आपकी लाइफस्टाइल देखी है, इनको अच्छी तरीके से पता है कि आपकी ज़रूरतें हैं वो पूरी करनी है, इनको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि आपको खुश रखने के लिए इस पर्सन को पहले खुद की लाइफ में स्टेबल होना पड़ेगा। ठीक है, स्टेबल होने के लिए ये पर्सन इस वक्त बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं, इसीलिए एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड का मतलब है सारी चीज़ों को ये बैलेंस कर लेंगे। एटलीस्ट ये जो एनर्जी है, जहाँ पे इनकी रातों की नींदें उड़ी है, जहाँ पे ये कितना भी कोशिश करके भी अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इनको आपके सहारे की ज़रूरत है। लॉन्ग टर्म देखते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि सिर्फ आप ही हो जो इनकी बात को समझोगे, सिर्फ आप ही हो जो इनको सहारा दे सकते हो, और कहीं ना कहीं आपकी अंडरस्टैंडिंग इनसे मैच करती है। ठीक है, हर सिचुएशन में इनको कहने की ज़रूरत नहीं है, बिना बोले ही आपकी तरफ से ये पर्सन महसूस कर रहा है कि बहुत ही पर्सनल कनेक्शन है। ठीक है, बहुत क्लोज कनेक्शन है। अब यहाँ पे ध्यान से देखने पे पता चल रहा है, कहीं ना कहीं आपको महसूस होगा इस पर्सन के पास आते ही आपको एक अलग से एहसास होता है। इसी से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक न्यू रीडिंग का लिंक है, देख के ज़रूर जाइएगा, कोई भी मिस मत कीजिएगा। और कौन कौन वैलेंटाइंस वीक पे सरप्राइज़ रीडिंग चाहते हैं, कि आगे की ओर क्या होने वाला है, कमेंट सेक्शन में अभी अभी लिख दीजिए। ठीक है, ज़रूर से मैं रीडिंग करूँगी। कौन कौन चाहता है लिखो, वैलेंटाइन रीडिंग लिखो कमेंट सेक्शन में, जल्दी जल्दी लिखिए, ताकि जल्दी जल्दी हम वो रीडिंग को लेके भी आएं। पता चल रहा है यहाँ पे, अंदाज़ा लग रहा है कहीं ना कहीं कि ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, ये पर्सन अपनी करंट सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, उस सिचुएशन से ये पर्सन बाहर आना चाहते हैं। ठीक है, बाहर आके ये इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। ठीक है, अभी ये पर्सन उलझा हुआ है, अभी ये पर्सन डिसीजन ले रहा है, लेकिन एक बार बाहर आने के बाद इस पर्सन की तरफ से आप एक्शन भी देखोगे, ज़रूर देखोगे। देखते हैं कि आखिरकार और क्या हो रहा है, क्या महसूस कर रहा है ये पर्सन, क्या लग रहा है इनको। अच्छा, यहाँ पे सिक्स ऑफ सोर्ड्स एक्शंस की बात हो रही है, यहाँ पे ओ माय गॉड, ये रहा वो आपका कार्ड जो आपको हमेशा से चाहिए था, जस्टिस। ये रहा
द फूल का कार्ड। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द लवर्स। द लवर्स की यहाँ पे एनर्जी आ गई है, ध्यान से देखोगे लवर्स के जस्ट नीचे यहाँ पे कम्युनिकेशन भी आ गया है। ठीक है, कौन कौन चाहता है कम्युनिकेशन जल्दी हो, लिख दो नीचे कम्युनिकेशन। देखो इन्होंने अपनी बेवकूफ़ी की वजह से आपको खोया है, साफ पता चल रहा है। ये अपनी मिस्टेक को मान रहे हैं, दिखाई दे रहा है इस पर्सन को गिल्ट है, इस पर्सन को बहुत गिल्ट है अपने किए पे, और ऐसा लगता है कि पछतावा इनको बहुत है, बहुत पछतावा है। ठीक है, ये पर्सन इस वक्त जितना जल्दी हो सके आपके पास आके बातों को क्लियर करना चाह रहे हैं। जस्टिस का कार्ड आ गया है, अभी रुकना नहीं चाहते, ना ही अब ये कोई डिले करना चाहते हैं, क्योंकि उससे होगा कुछ नहीं। उससे दोनों के बीच में जो गलत फहमियाँ हैं, दोनों के बीच में जो दूरियाँ हैं, वो बढ़ने के चांसेस है, और यहाँ पे कुछ नहीं होगा। जस्टिस का कार्ड है, ठीक है, यहाँ पे सिक्स ऑफ सोर्ड्स दिखाई दे रहा है। अपने इमोशंस को बहुत पहले से अपने अंदर रखे हुए हैं और अब चाहते हैं कि वो सारी चीज़ें बाहर आ जाएं, इनको हल्का महसूस हो, इनके अंदर से वो सारी चीज़ें निकले, कैसे ना कैसे करके निकले। ये पर्सन डेफिनेटली यही चाहता है, और ये कहीं और ले जाके आपको सारी सच बताए। बहुत खुलासा होने वाला है कि आप तैयार हो, क्योंकि देखो यहाँ पे सोर्ड्स है और यहाँ पे जस्टिस मिल गया, सिर्फ और सिर्फ इसी बारे में बात होगी। देखना आपको इंसाफ मिलेगा, आपको ऐसा लगेगा कि दे आर कम्प्लीटली रेडी टू टेल यू। ये पर्सन कह रहे हैं कि बस मैं भी रेडी हूँ, तुम भी रेडी हो, बस इतना है कि मेरी बात को ऐसे सुनना कि मैं तुम्हें क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, वो जो भी बताना चाह रहे हैं आपको खुलकर बताने वाले हैं। इस बात में कोई दुराहे नहीं है कि दिस पर्सन इज़ कम्प्लीटली सीरियस फ्रॉम यू, फॉर यू। और कहीं ना कहीं दिस पर्सन वॉन्ट्स कि अब ये पर्सन आपका भरोसा जीते, अब ये पर्सन आप दोनों का जो स्टार्ट है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से करे, ताकि आगे की ओर कोई तकलीफ ना हो, ताकि आगे की ओर कोई गलत फहमी आप दोनों के बीच में नहीं आ पाए, है ना। ये सारी चीज़ों को ये पर्सन ध्यान में रख रहे हैं कहीं ना कहीं, और इनके मन में यही आ रही है बात, कुछ भी करके ये आपको जीतना चाहेंगे, कुछ भी करके अपने मन को मारकर ये पर्सन आपके पास आएंगे और आकर अपने दिल की सारी बातें बताना चाहते हैं। ये रीडिंग कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है जो आपका इंतज़ार कर रहा है। मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग में न्यू एनर्जी के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।